घंटी बिगड़ी पूरा नंदन तुमकदा तो सारे फंक्शन हो चुके हैं, बहुत थकान लग चुकी है, गला भी बैठ गया, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, सबका गला बैठा है भाई, भाई का भी गला बैठ गया, अभिषेक भाई का भी गला बैठ गया, मोहन तो थक के जाके सो गया है। और अभी हमने बनाई है चाय, तो चाय पी रहे, बिस्कुट का पैकेट मिल गया था हमें भगवान की कृपा से पाल लीजिएगा, तो वो बिस्कुट भी खा रहे हैं। तो आज के पार्ट में सिर्फ महिला संगीत थी और बहुत मजा आया, डांस भी बहुत हुआ, थक इतनी लग गई कि पैर काम नहीं कर रहे, पर अभी मुझे अपने शूज धोने बहुत काम है, अभी 2 बज चुके हैं, अभी 3 बजे तक तो मुझे सोना पड़ेगा, फिर ब्लॉग एडिट कब करूँगा, ब्लॉग तो लेट ही आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे, कल बारात में जाएंगे, अगले पार्ट में मिलते हैं। अरे भाई दीदी जिनके कपड़े लेके आए थे गुरुवार। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, मैंने फोन में SD कार्ड लगाया था और SD कार्ड फोन में शो नहीं कर रहा है, और सारी वीडियो उसमें थी और वो वीडियो भी अब सारी गायब हो चुकी है। तो मैं भाई और के फोन लगा के देखूँ, अगर चल गया ठीक है, वरना भाई बहुत दिक्कत है, बहुत आवाज़ भी नहीं आ रही भाई, तो गला भी दर्द हो रहा है, ऊपर से यार ढोल भी बज रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। बस अब मैं यही सोच रहा हूँ कि आज सारी वीडियो गायब हो गई, वरना कल का ब्लॉग मेरा पूरा पोपट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, इसलिए अब जा रही है बारात, तो मुझे यहीं से डालना पड़ेगा बारात के दिन से ही, पहले वाला दिन तो सारा फिर गायब हो जाएगा। तो ये देखिए शहनाई, तैयारियां शुरू हो चुकी है, ढोल बज रहे हैं भाई, बड़ी खुशी की बात है, सभी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, भैया के अंदर खुशी भाई खुशी। देखिए सारे लोग सब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए दूल्हा बारात में, ये भैया दूल्हे राजा चमक रहे हैं। देखिए यहाँ पर भैया को मालाएं पहनाई जा रही है, ताऊ जी नाच रहे हैं भाई, ताऊ जी को हमने बहुत कम नाचते हुए देखा है, चलो नाच रहे हैं ताऊ जी, भाई ताऊ जी में टैलेंट है, जब ताऊ जी नाचते हैं ना तो अपने साथ 4 और नचाते हैं। देखिए जैसे कि आप देख ही सकते हैं सब नाच रहे हैं, और भैया चढ़ चुके हैं घोड़ी, तो भाई इससे खुशी की बात क्या होगी, अब भैया घोड़ी भी चढ़ चुके हैं, बैठ गए हैं भैया और यहाँ सब रस्में निभा रहे हैं सारी, तो भैया तो खुश हैं भाई, सभी बहुत खुश हैं, सब बड़े मतलब होते हैं ना अंदर की खुशी भाई, वो नज़र आ रही है, देखिए नानी जी भी क्या प्यारा डांस कर रही है भाई, सब लोग बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। तो चलो बस सब निकलने की तैयारी है, सब लोग तैयार हो चुके हैं अपना, सुबह उठ के सबसे पहले लोगों ने तैयारी करी है अपनी, सब तैयार है, सब अब नाच रहे, तो चलो मिलते हैं आपसे आगे सीधा जहाँ पर बारात जा रही है बंचूरी, तो मिलते हैं बंचूरी में। भाई इस जगह का नाम है बंचूरी, पहुँच चुके हम, ये जमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है बंचूरी, एक गांव है, ये गांव अच्छा है वैसे, मतलब घर भी बहुत सारे हैं, मतलब फैसिलिटीज है, यहाँ हॉस्पिटल सब कुछ है, इस जगह का बढ़िया व्यूज़ भी एकदम तगड़े आते हैं, देखिए व्यूज़ चेक करिए, ये देखिए यहाँ से व्यू, और नीचे सारे के सारे बाराती हैं, रिफ्रेशमेंट चल रही है सबकी, अरे बहुत थक लग गई, हम पहले नीचे से पहाड़ी में चढ़े, फिर वापस पहाड़ से नीचे को तरफ उतरे, भाई बहुत थक लग गई बहुत। ये बंचूरी का गवर्नमेंट स्कूल है, देखिए फैसिलिटी तो भाई सारी है। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि मैंने इसमें, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने इससे पहले इसमें मेमोरी कार्ड डाला था एक, पर कल रात को पता नहीं क्या हुआ उस मेमोरी कार्ड को शो ही नहीं कर रहा है, सारी वीडियोस गायब हो गई जितनी मैंने बनाई थी, मेरा उसमें जो पहला पार्ट था वो पूरा गायब हो गया, हल्दी से लेकर के उसमें मेहंदी का भी डांस वगैरह बहुत कुछ था, सब गायब हो चुका है। अब बना है मेरा आज, तो आज अब मुश्किल ही है कुछ होगा, क्योंकि मेरी मेमोरी कार्ड भी मतलब शो ही नहीं कर रहा, बन ही नहीं रहा कुछ, तो देखते हैं अब क्या होता है, जैसे भी होगा मैं आपको उसमें दिखाई दूँगा। तो यहाँ हमारे दुल्हे राजा आ चुके हैं डोली में बैठकर, हीरो लग रहे हैं भाई हीरो। यहाँ का रिवाज होगा ना,
मौसी चमक रहे हो आप तो। हाँ बिल्कुल, यहाँ हमारे फादर साहब। हेलो, सबके चेहरे उतर गए हैं। ये देखो जरा, तो चलते हैं हम अपनी भाभी जी के घर की तरफ। और आगे चल रही है यहाँ पर महिला मंडली। तो देखिए ये दोस्तों पूरा बंचूरी गांव, बस यही है एक छोटा सा गांव। यहाँ पे पहाड़ों में मतलब ऐसे छोटे छोटे जगहों में छोटे छोटे गांव होते हैं जिसमें मुश्किल से 20-25 मकान होते हैं, इसमें फिर भी इसमें ज़्यादा मकान है। देखिए सब जा रहे हैं बारात, सबसे लेट हम भी जा रहे हैं, थक बहुत लग चुकी है बारात। देखिए कहाँ पहुँच चुकी है पूरी, रास्ता है भाई पहाड़ों में घूमने आओ, पहाड़ों में जो मज़ा है भाई वो मज़ा कहीं नहीं है। उससे तो बोला भी नहीं जा रहा है भाई, मतलब इतनी हालत डाउन हो रही है। ये देखिए आ चुके हैं, फल दस के आ रहे हैं बिल्कुल। क्या सुंदर सुंदर महिलाएं, शादी तो ही नहीं ना किसी की, ऐसा बंद मैरिज है, सबके लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए। ये देखिए भाई आप, यात्री शेड ग्राम पंचायत बंचूरी। देखिए दोस्तों ये होते हैं गाँव के घर, इनको देखने में जो आनंद मिलता है ना भाई साहब, मतलब बहुत मज़ा आती है ऐसे घरों को देखने में गाँव में, मतलब एकदम अपनी संस्कृति से याद हो जाती है। और आपको हर गाँव में ऐसी स्लैब देखने को जरूर मिलेगी, इस स्लैब में लोग आके अधिकतर ऐसे धूप वगैरह सेकते हैं, मतलब बहुत बड़ी संस्कृति। और गाँव में हर घर की छत ऐसे पत्थरों की होती है, यहाँ पर जो फोटो सेशन भाई इतना तगड़ा चलेगा ना, मज़े आएगी। देखिए अधिकतर छत ऐसी मिलेगी, बहुत कम जो अभी आजकल में जो कुछ टाइम पहले बने होंगे उनकी छतें ऐसे सीमेंट वाली मिलेगी। और अब यहाँ पर हमारे भैया की आरती हो रही है, हमारे ससुर जी उतार रहे हैं आरती। ससुर जी के चेहरे में से खुशी थोड़ी सी गायब है, क्योंकि यार लड़की जब दूसरे घर जाती है ना तो ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ गाँव की सभी महिलाएँ बैठी हुई है, इन सब में मुझे एकता तो नज़र आ रही है भाई, एकता तो है। यहाँ पर चल रहा है खाना सभी बरातियों का, पर बराती तो इसमें दिख नहीं रहे, सारे घराते ही दिख रहे हैं। ये देखिए बहुत मतलब काफ़ी साल पुराना घर हो गया, बहुत साल, 35-40 साल से भी पुराना घर है ये। देखिए पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ पहाड़। तो फाइनली भाभी जी भी आ चुकी हैं, भैया को इतनी खुशी हो रही है कि भाई क्या ही बताएं। देखिए शर्म से पूरा चेहरा लाल हो चुका है भैया का, भाई भैया को खुशी तो हो रही है पर भैया चेहरे में आने नहीं दे रहे हो। ये भैया के दोस्त यहाँ पर भैया से मज़े ले रहे हैं, सभी लोग देखिए कितने प्यार से देख रहे हैं। ये है हमारी भाभी जी, बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। और ये हमारे भाई साहब, चेहरे में लाली देखिए एकदम, बड़ी मस्त लाली है चेहरे में, मन में लड्डू फूट रहे हैं पूरे। भाभी का फोटोशूट चल रहा है फिलहाल। और यहाँ पर ये जय माला होते हुए ये भैया ने माला डाल दी है, वाह। ये देखिए सभी पंगत ने बैठकर खाना खाते हुए, गांव में तो ऐसे ही पंगत में बैठकर ही खाना खाया जाता है। ये देखिए सभी खाना खाते हुए, ऐसे बैठकर जो खाने में मज़ा है ना भाई, बहुत मज़ा है, वो मज़ा कहीं है ही नहीं भाई। ये देखिए ये खुशी देखिए, चेहरे की खुशी तो देखिए, मज़ा आ रहा है। कैसा बना है, बस पान जाता हूँ, कैसा बना है, बढ़िया हो रहा है खाना, ज़बरदस्त। ये देखिए भाई पहले के ज़माने के घर ऐसे होते थे, अंदर से इनमें मिट्टी और गोबर को मिलाकर लिपाई करी जाती थी। देखिए पूरे हाथ में लग चुका है मेरा, पूरे हाथ में लाल लाल हो गया है। तो मतलब इसमें हर घर आपको ऐसे ही मिलेंगे भाई, पहले के ज़माने के अंदर से ऐसे लिपाई हो रखी होगी। अब चल रहा हूँ ना तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो नीचे आवाज़ जा रही होगी। देखिए हर जगह, ये देखिए इसमें भी लिपाई हो रखी है, लकड़ी का है ये, हाथ लाल। इस बेचारे का फोन खराब हो गया है भाई, और इसे मैं बता देता हूँ, इसको मैं वीडियो दूंगा नहीं। ये देखिए भाई क्या मज़ा आता है यहाँ रहने में, जो मज़ा आता है ना भाई, यहाँ अगर ठंडियों में आओगे गर्मी में आओगे ठंडा ही मिलेगा,
गर्मी में तो यहाँ ऐसे लेट जाओ, लाइट की भी जरूरत नहीं है, इतनी ठंडी लगती है। देख लो आप ऊपर, प्यार प्यार देखिए ऊपर, देखिए ऊपर कैसा है, क्या सीन है ऊपर, ऊपर पत्थर लगा रखे, ऊपर सारे पत्थर लगे हैं, ऊपर पूरी पत्थरों से दीवार छत डाली हुई है और यहाँ पर नीचे लकड़ियाँ लगा रखी है। मज़ा है भाई, बहुत मज़ा है। देखिए और यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो नज़ारा देखिए भाई, बाहर निकल के क्या नज़ारा दिखता है ना फिर, हाय 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 आनंद है भाई। ये देखिए नीचे चल रहा है यहाँ पर खाना बरातियों का। तो आ गए हमारे भैया जी भी, अभी थोड़ी पूजा वगैरह भी होनी है तो चलते हैं भाभी जी के घर। ये देखिए भाई यहाँ पर पूजा हो रही है भाई, रस्में बहुत होती है गांव में, गांव में भाई बहुत रस्में होती है, कहना मुश्किल है भाई कितनी रस्में हैं। तो यहाँ चलो अभी अंदर चलते हैं, भैया भी अंदर जा रहे हैं, सभी अंदर जा रहे हैं, अब पूजा होगी भाई, जगह ही नहीं मिल रही, कदम रखने की जगह नहीं है भाई। ये देखिए दीदी बड़ी खुश है, दीदी ये देखिए हमारी मौसी भी बड़ी खुश है भाई, सारे खुश हैं। तो अभी पूजा होगी, इसके बाद चलेंगे हम घर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर अंदर पूजा होगी, पंडित जी बैठे हैं, भैया भाभी जी सास ससुर जी ताऊ जी। देखिए भाई साहब दोनों के दोनों सार रहे हैं से ऊपर चढ़ाई में, ये राम बक्सा पूरा फुल है, थक जाओगे तो बता देना है, अगर थक जाओगे तो बता देना है, मैं पानी पिला दूंगा थोड़ा। यहाँ से व्यू देखिए भाई, वापस जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, मन तो कर रहा है बस यहीं रह लूँ, यहीं रहूँ बस। तो भाई अब चल रहे हैं हम वापसी घर की तरफ, यहाँ पे सारा प्रोग्राम निपट गया है, 5-10 मिनट वहाँ पे अभी हमारे भैया को लगेंगे, दूल्हे साहब को 10-15 मिनट लगेंगे, कथा टाइप हो रही है वहाँ, और मेरे साथ वाले साहब आगे चल गए, मैं पीछे रह गया, कुछ व्यूज़ कैप्चर कर रहा था फ़ोन में इसलिए पीछे छूट गया। तो चलो चलते हैं अभी आगे, मिलते हैं आपसे फिर शाम को पार्टी में।